मान लीजिए हम ऑफिस में बैठे हैं या फिर हम रात को सो रहे हैं गहरी नींद में, और एकदम से हमें बहुत तेजी से खांसी उठनी शुरू हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह कि उस दौरान ना तो हमारे पास कोई दवाई है, ना ही हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक रेमेडी है जिसको अगर आप ले लेते हैं तो उसी समय से ही आपकी खांसी तुरंत कंट्रोल हो जाएगी, तुरंत बंद हो जाएगी। दोस्तों, मानसून का सीजन आ चुका है, बरसात आनी शुरू हो गई है, लेकिन जब बारिश आती है ना तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेके आती हैं, जैसे कि एलर्जी, इन्फेक्शन, बुखार, सर्दी जुकाम, और जिसमें कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है सर्दी जुकाम यानी कि कोल्ड। अब होता क्या है कि देखिए, सर्दी जुकाम अगर किसी को हो जाए तो ये जल्दी से ठीक भी नहीं होता है और बहुत तेजी से फैलता भी है, और अगर हम इसका ट्रीटमेंट कराने जाते हैं डॉक्टर के पास में तो काफी पैसे भी खर्च हो जाते हैं और जल्दी से आराम नहीं मिलता। कम से कम अगर आपको टाइम लगेगा तो 7 दिन का तो टाइम लग ही जाता है, जिसमें कि आपको बहुत सी एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं, एंटी एलर्जिक खानी पड़ती हैं, और भी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जिनके कि फ्यूचर में जाके आपको साइड इफेक्ट्स भी मिलते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ में 3 ऐसी नेचुरल रेमेडीज शेयर करने वाला हूँ जिनसे कि आप बहुत ही आसानी सर्दी और जुकाम से राहत पा सकते हैं। ये रेमेडीज इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि जब आप इनको लेंगे तो पहले डोज से ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी अलग अलग रेमेडीज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी रेमेडीज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बच्चों के लिए। देखिए क्या होता है कि अगर हम बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार को उसको झेल लेते हैं, थोड़ी परेशानी भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में क्या होता है कि अगर छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाए तो सबसे बड़ी बात है कि वो अपने मुंह से बता भी नहीं सकते उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम उनको कोई दवाई देते हैं तो वो दवाई नहीं ले पाते हैं, उल्टी कर देते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, और जब वो नहीं सो पाते हैं तो हम भी नहीं सो पाते हैं, तो इस तरीके से परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो छोटे बच्चों के लिए जो रेमेडी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ उसको आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए मात्र 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए लौंग का तेल लेना है, और लौंग का तेल हमें करना क्या है कि जिस बच्चे को सर्दी जुकाम हो रहा है, लौंग का तेल उंगलियों पे थोड़ा सा लेकर के उसके छाती पे, उसके गले पे हल्की सी मसाज कर दें 2 से 3 मिनट की, और उसके बाद उसको पूरे कपड़े पहना दें। दूसरी चीज आपको करना क्या है कि आपको लेना है अदरक का जूस और शहद। अब करना क्या है कि आपको 1 चम्मच अदरक का जूस लेना है, अदरक का रस लेना है, जिसमें कि आपको 2 चम्मच नेचुरल शहद मिलाना है। अब शहद की मैं अगर बात करूं तो आप किसी अच्छी कंपनी का या ऑर्गेनिक शहद ले, आप लोकल शहद ले लेते हैं तो उसमें क्या है कि चीनी मिलाई होती है, जिससे कि आपको आराम पड़ने की बजाय और ज्यादा ही परेशानी बढ़ सकती है। कोशिश ये करें कि ऑर्गेनिक शहद मिल जाए या तो फिर किसी अच्छी कंपनी का शहद ले लें। तो अब करना क्या है कि आपको 2 चम्मच शहद लेके और 1 चम्मच अदरक का रस निकालना है। आपको अदरक को कूट लें और एक कॉटन के कपड़े में डाल के उसको दबा के छान लें, जिससे कि रस निकल जाएगा, और ये 1 चम्मच रस आपको 2 चम्मच शहद में अच्छे से मिला लेना है। आपकी रेमेडी तैयार हो चुकी है। अब इसमें करना क्या है कि आपको बच्चे को आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, और अगर बहुत ज़्यादा लगता है तो आप 3 टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने यही देखा है कि 1 से 2 बार में ये ठीक हो जाता है। तो जब आप रात को एक बार देंगे और एक बार मॉर्निंग में देंगे तो इसमें ही आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा, और ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि जब आप इसको बच्चे को पहली डोज देते हैं ना तो पहली डोज के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस करता है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस रेमेडी को बना रहे हैं, इसको बना के स्टोर नहीं करना है, हमेशा ताज़ा बनाना है और ताज़ा ही इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे इकट्ठे बना लें और उसको रख लें तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। आपको जब भी इसको इस्तेमाल करना है तो तुरंत 2 मिनट लगते हैं बनाने में, और तुरंत ही ताज़ा ताज़ा बना के बच्चे को देते हैं। क्वांटिटी मैंने जितनी बताई है उतनी रखनी है, ना ही कम करनी है ना ज़्यादा करनी है। अगर कम ज़्यादा करते हैं तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हुई बच्चों की बात। अब बात करते हैं बड़ों के लिए। देखिए, बड़ों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बड़ों के लिए मैं एक एडवाइस करना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी आप कोई रेमेडी फॉलो करते हैं, कोई ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, तो उसके साथ में परहेज जरूर करें। क्या होता है कि हम लोग रेमेडीज ले लेते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लालच करते हैं। जैसे गर्मियाँ हैं तो हम इसमें क्या करते हैं कि ठंडा पानी पीना नहीं छोड़ते, ठंडी चीज़ें नहीं छोड़ पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है परहेज की। अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो कोई भी रेमेडी असर नहीं करेगी, जिससे कि आपकी समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ठंडी चीज़ों का पूरी तरीके से परहेज करना है, यहाँ तक कि अगर आपको पानी भी पीना है तो उसको गर्म करके पीना है, नॉर्मल भी नहीं पीना है।
अब बात करते हैं रेमेडी की। देखिए, रेमेडी बनाने के लिए आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 है काली मिर्च, यानी कि ब्लैक पेपर। देखिए, आपको ये रेमेडी बनाने के लिए 1/4 चम्मच काली मिर्च लेनी है, और काली मिर्च को कूट के उसका पाउडर बना लेना है। अगर आपको पाउडर रेडीमेड मिल जाता है तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप काली मिर्च को खुद से पीस के उसका पाउडर बना लें। दोस्तों, काली मिर्च आपके सीने में जमे हुए बलगम को निकालती है, जिससे कि आपको सांस लेने में आसानी होती है और इससे आपको खांसी में काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। दूसरी चीज है काला नमक। दोस्तों, काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, ये लेना है आपको 1/4 चम्मच। और अगर आपको ब्लैक सॉल्ट नहीं मिलता है तो आप रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक भी ले सकते हैं। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो ये आपकी सांस की नलियों को रिलैक्स करता है, वहां पे आई हुई ब्लॉकेज को खत्म करता है, बलगम को निकालने में हेल्प करता है, जिससे कि आपकी खांसी में बहुत तेजी से आराम होता है। नंबर 3 है अजवाइन। 1 चम्मच आपको अजवाइन लेना है। अजवाइन भी काफी ज्यादा हेल्प करता है सीने की ब्लॉकेज को हटाने में। नंबर 4 है हरी इलायची। देखिए, हरी इलायची की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 4 से 5 हरी इलायची लेनी है, लेकिन उनके दाने लेने हैं, उनका छिलका नहीं लेना है आपको। और अगर इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो ये चेस्ट के इन्फेक्शन को काफ़ी तेजी से ठीक करती है। इसके अलावा चेस्ट में कहीं भी ब्लॉकेज आई हो, इन्फ्लामेशन आई हो, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देती है। नंबर 5 है जिंजर यानी कि अदरक। अदरक आपको लेना है करीब 4 चम्मच, और ये जो 4 चम्मच अदरक है ये कसा हुआ होना चाहिए। और अदरक की अगर मैं बात करूं तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपके सीने में, आपकी बॉडी में जो भी इन्फ्लामेशन होती है उसको खत्म करती है, बॉडी में आए हुए ब्लॉकेज को खत्म करता है, बलगम को निकालने में आपकी काफी हेल्प करता है। नंबर 6 है देसी गुड़। देखिए, देसी गुड़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुड़ भी 2 तरीके का आता है। एक गुड़ में केमिकल डाल के बनाया होता है और एक नेचुरल गुड़ होता है। तो अगर आपको रेमेडी बनानी है तो इसके लिए आपको नेचुरल गुड़ चाहिए होगा, और जिसमें कि कोई केमिकल नहीं होता है, और इसे आप ऑर्गेनिक गुड़ भी कह सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, जिसमें कि आपको 5 चम्मच गुड़ लेना होगा। और ये जो गुड़ है, आपको एक पैन में या एक कढ़ाई में डाल के हल्का सा पानी डाल के उसको गर्म करना है, और जब ये गुड़ पिघलने लग जाए तो इसमें बाकी की जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सारी चीज़ें उसमें डाल के अच्छी तरीके से मिला लेना है। 2 से 3 मिनट मिलाने के बाद जब भी आपकी रेमेडी तैयार हो जाए, गैस को बंद कर दें। ज़्यादा देर तक इसको ना पकाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो गुड़ जलने लगेगा, इसका टेस्ट खराब हो जाएगा और रेमेडी का असर भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो अभी जो आपकी रेमेडी है बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं बात करता हूँ इसके इस्तेमाल की। इसको इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात को सोने से पहले आधा आधा चम्मच आपको गर्म पानी के साथ इसको लेना है, और इसको मिनिमम 5 से 6 दिन आपको लेना है। और अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप 8 से 10 दिन भी इसको ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद से जानते हैं कि नेचुरल चीज़ों से डाल के हमने ये रेमेडी तैयार की है, तो इसलिए आप बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सर्दी खांसी पुरानी होती है, जो कि मौसम के अकॉर्डिंग दोबारा से उभर जाती है, बाकी समय नहीं रहती है, लेकिन मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है या बदलता है तो उनकी खांसी उभर जाती है। तो उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि वो कम से कम 21 दिन तक लगातार इसका इस्तेमाल करें, जिससे कि उनको पुरानी सर्दी खांसी में काफी ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आप लोगों के साथ में एक रेमेडी और मैं शेयर करूंगा, जिसको मैं इमरजेंसी रेमेडी बोलता हूँ। और ये जो इमरजेंसी रेमेडी है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, एक तरीके से रामबाण का काम करती है। कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि मान लीजिए हम ऑफिस में बैठे हैं, या फिर हम रात को सो रहे हैं गहरी नींद में, और एकदम से हमें बहुत तेज़ी से खांसी उठनी शुरू हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह कि उस दौरान ना तो हमारे पास कोई दवाई है, ना ही हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक रेमेडी है जिसको अगर आप ले लेते हैं तो उसी समय से ही आपकी खांसी तुरंत कंट्रोल हो जाएगी, तुरंत बंद हो जाएगी, आप चैन से काम कर पाएंगे, चैन से सो पाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है, तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसका नाम है क्लोव यानी कि लौंग। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, खुद से आजमाया हुआ है, और कभी भी आपको ऐसी लगता है कि बहुत तेजी से खांसी उठ रही है और कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आपको करना क्या है कि 1 से 2 लौंग लेके अपने मुंह में डाल लेनी है और उसको चूसना है, उसको चबाना नहीं है, सिर्फ उसको चूसना है। आप देखेंगे 1 से 2 मिनट में ही आपकी खांसी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये इमरजेंसी सॉल्यूशन है। मान लीजिए रात को उठता है तो आपने 1-2 लौंग थोड़ी देर चूसी, आपकी खांसी कंट्रोल हो गई, आप सो गए, लेकिन अगले दिन आपको डॉक्टर से दिखा के, या फिर जैसे मैंने आपको रेमेडी बताई है, रेमेडी बना के इसको जरूर इस्तेमाल करना, ताकि खांसी पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो जाए। लौंग का जो सॉल्यूशन है ये 4 से 5 घंटों के लिए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है और आपको तुरंत राहत देता है।
आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है, अगला वीडियो किस प्रॉब्लम पे देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।